हेलो गाइज, एक्चुअली आ गया है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल। अमेजन में आप खरीद सकते हैं अपना सुनहरा लैपटॉप। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट लैपटॉप जो कि 60 से 1 लाख तक जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप, हम बेसिकली बात करेंगे गेमिंग लैपटॉप के बारे में, तो आप यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप खरीद सकते हैं। एक्चुअली ये जो सेल है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, ये 17 से कब तक चलेगी? आपके 20 जनवरी तक चलेगी। लेकिन ये जो स्टार्ट हुआ है, आपकी 16 जो प्राइम मेंबर होते हैं अमेजन के, वो 16 से ही इसके मज़े ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप अभी से मज़े लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आज बताएंगे हम 60 से 1 लाख के बीच में जो बेस्ट लैपटॉप है, आपको सजेस्ट करेंगे लेना नहीं लेना, आपकी बात है, आपकी चॉइस है, आपकी कृपया है। तो चलिए ठीक है, पीसी की ओर चलते हैं। ठीक, तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने कुछ सर्च कर रखा है लैपटॉप। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करती हैं जो 60,000 के अंडर में और 60,000 के आसपास में रहेगी। ठीक है, सर, तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये वाली हमारे पास, ये जो है HP विक्टस की। ठीक है, तो ये जो है आपके 58,000 के अराउंड में आती है। इसमें हमारे क्या है, Wi-Fi 6 सब में होगा। ठीक है, जो भी हम गेमिंग लैपटॉप, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, राइजन वाले सीरीज वाले को हम देखेंगे, बाद में हम इंटेल को बताएंगे, क्योंकि राइजन जो है मेरा फर्स्ट चॉइस है राइजन। बाद में हम इंटेल वाले, जिसे इंटेल पसंद है वो इंटेल देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4 GB ग्राफिक्स कार्ड तो मस्ट है, और 8 GB रैम मिनिमम रैम। ठीक है, और सारे जो है वो गेमिंग लैपटॉप है, Wi-Fi 6 तो डिफ़ॉल्ट है, सब में Wi-Fi 6 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है हमारे Wi-Fi 6, ठीक, तो वो हमने कंसीडर किया है। ठीक, ये सब जो लैपटॉप है हम पहले से बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं, ये नहीं कि आज बैठे और हमने पूरा डाल दिया। ठीक है, फिल्टर करके, ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी रिसर्च कर चुका, क्योंकि मैंने एक लैपटॉप ले रखा और दोस्तों को भी सजेस्ट कर रखा पहले से, इसीलिए मुझे पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लैपटॉप है HP विक्टस, ये आपके 58,000 में आती है। इस पर आप एक बार सबको एक बार देख भी लेना और कंपेयर कर लेना, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन मेरे चॉइस में ये जो है, मैं इसे सेकंड चॉइस पे रखा जो 60 के अंडर में आती है। मेरा जो फर्स्ट चॉइस है वो जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये आपके इस पे फ्लिपकार्ट सेल में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट सेल में देख सकते हैं, ये जो है ये भी 58,000। हालांकि ये जो है, ये बार बार मैं देख चुका हूँ बहुत बार, अगर ये अभी सेल पे है इसीलिए 58,000 में, नहीं तो नॉर्मल प्राइस में ये 66,000 में चली जाएगी। अभी ये बेस्ट डील में है 58,000 का, और कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने चेक किया था 60,000 था, लेकिन उससे पहले वो 66, हमेशा 66 में रहते हैं, लेकिन अभी ये 58 में। तो सबसे एक नंबर में अगर हम 60 में रखेंगे, 60,000 के अंडर में, तो ये जो है पहला है मेरा MSI Bravo 5 Ryzen 6 है, जो कि आपके 6 Thread Out 12 Core के अंदर में आती है। ठीक है, और 8 GB रैम, ये तो हमने पहले ही बोल दिया कि ये डिफॉल्ट 8 GB मिनिमम होगा ही। इसमें जो है Radeon AMD ग्राफिक्स है, RX 5512 RAM। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, इसमें भी Wi-Fi 6 ही मिलेगा आपको, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, ये राइजन की है। और अगर हम देखेंगे आप इंटेल में, अगर देखेंगे कि इंटेल वर्जन, जिसको इंटेल पसंद है, तो आप 10th जनरेशन आपको मिलेगा ASUS TUF Gaming F15 की। ठीक है, और यहाँ पर जो है सारे जितना भी लैपटॉप हमने चूज किया, सबका रिफ्रेश रेट 144 तो होगा ही, सिर्फ HP विक्टर्स को छोड़ के, इसमें 60 Hz है, ऐसे 60 और हाँ 60 Hz है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे या और इसके बाद इसका जो ग्राफिक्स है GTX 1650 Ti, जो कि ये जो Ti वाला ग्राफिक्स है, ये कंपेरेबल है इसके, ये जो ग्राफिक्स है आपके AMD रेडियन RX 5512, जो AMD की तरफ से आती है ये, और ये दोनों कंपेरेबल है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसे चूज किया। तो आप ASUS TUF A15 गेमिंग भी ले सकते हैं ये वाली। ठीक है, तो ये तो आपके 60,000 के अंडर में, मेरा यह पर्पस है कि आपको लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप दिखाना अंडर 60,000, और जो भी प्राइसेस में दिखा रहा हूँ बेस्ट लैपटॉप, आपको फिर इनमें से चूज करना होगा कि आपको कौन है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है MSI ब्रेव जो आपको फ्लिपकार्ट में मिलती है, ये भी सेल में चल रही है अभी, तो इसीलिए इतना में मिल रहे, तो आप बेस्ट वन नंबर वन पे ये रखेंगे, सेकेंड नंबर पे हम HP विक्टस, और थर्ड नंबर पे हम ये रखेंगे हम ASUS TUF, क्योंकि ASUS TUF गेमिंग ये जो है। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने पहले से देख रखा है सब सारे प्रॉपर्टी इस, और यहाँ पे जो है आपके NVMe जो स्लॉट होती है, PCIe और 3, ये जो है आपके M.2 वाला वर्जन, ये सब में मिलेगी। ठीक है, इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है, ये सब में मिले, और बैकलाइट सब में रहेगी। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं 60,000 के अंडर में, और मैं अब चलता हूँ 70,000 के अंडर में, को कौन सा मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो सबसे मिलेगा आपको 70,000 के अंडर में, वो मैंने रखा है इसे MSI ब्रेवो 15 जो अमेजन में मिलेगी, 15 AMD राइजन 7 में आएगी, लेकिन इसमें 4 जनरेशन है राइजन की, ठीक है। सबसे पहले राइजन, उसके बाद इंटेल हम देखेंगे यहाँ पे, तो पहले ही बोल दिया 16 GB यहाँ रैम मिलेगी आपको, SSD मिलेगी 512 जो कि NVMe है सब, वो PCIe वाला ई वर्जन है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट स्पीड आपको मिलने वाली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ ये AMD की तरफ से ही आपके ये मिलेगा ग्राफिक कार्ड, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड AMD की तरफ से, ठीक है। तो ये 70,000 में ये बेस्ट नंबर वन पे हमने इसे रखा, क्योंकि नंबर वन पे ये रखे हैं 70 के अंडर में। अगर थोड़ा सा बढ़ा दें इसे प्राइस को, तो हम नंबर वन पे हम इसे रखेंगे MSI Bravo 15 राइजन से, जो कि ये फिफ्थ जनरेशन में है, ये 5800H। इसमें जो आपके 7 जो भी है राइजन 7, वो 8 कोर और 16 थ्रेड के साथ आती है, और IPS लेवल डिस्प्ले तो होगा ही, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है फिर, ये जो है इसके प्रोसेसर स्पीडिंग में फ़र्क है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम स्पीड जा सकती है 4.2 जा सकती है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम स्पीड जाएगी वो 4.4 जाएगी, ठीक है। इसके जो यहाँ जैसे देख सकते हैं 4.4, तो इसका बस ये फ़र्क है। और ये लेटेस्ट जनरेशन है जो 2021 में आया है, 2021 में आया है ये लेटेस्ट जनरेशन, ठीक है, राइजन की तरफ से, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इंटेल में पसंद है, इंटेल में एसर नेट्रो 5 देख सकते हैं, एसर नेट्रो 5 जो कि आपको पूरा i5 11th जनरेशन में आएगा, ये भी लेटेस्ट जनरेशन कह सकते हैं, लेकिन अभी 12th जनरेशन भी आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देखते हैं एनवीडिया का RTX 350 आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलेगी, जो कि बहुत अच्छे ग्राफिक कार्ड है। और यहाँ पर Wi-Fi 6, सब Wi-Fi 6 के अंदर है। यहाँ पे आपको RGB लाइट भी मिल जाएगा कि ब्लैक कीबोर्ड में, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो RGB लाइट भी हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो SSD देखने को मिले, 256 मिलेगा 1 TB। यहाँ पे अगर हम 70,000 के अंडर में अगर रैंकिंग करेंगे, तो हम सबसे पहले देंगे इसको, अगर आप थोड़ा सा रुपये ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हम 1 नंबर पे इसे रखेंगे अमेजन में जो मिलती है, उसके बाद 2 नंबर पे हम इसे रखेंगे, 2 नंबर पे इसे रखेंगे, और 3रे नंबर पे हम इसे देंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी प्राइस के हिसाब से इसमें जो फीचर मिलती है इंटेल i5 उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ सही है, इतना भी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे इंटेल की खास पसंद नहीं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम SSD आपके बहुत कम है, लेकिन HDD ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी SSD नहीं मिल रही यहाँ पे अच्छे खासे। उसके बाद हम जो जाएंगे, वो हमारे जो लैपटॉप होंगे वो 80,000 के राउंड में, 80,000 के राउंड में आप चलते हैं। जैसे मैंने लिस्ट बना रखा है यहाँ पे, तो सबसे पहला जो हम देखेंगे 80,000 के राउंड में, आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली एलिजन की, ठीक है, एलिजन एलिजन 5 AMD राइजन 5, इसमें भी 5, ये राइजन 5 ही है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ इसमें अच्छी चीज़ देखना है, मतलब इसमें sRGB भी, इसमें लाइटिंग है, ये खूबसूरती में अच्छी लगती है ये, बस इसीलिए इनकी प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। इतने प्राइस 80,000 के राउंड में ये जो आ रही है, 75,000 के राउंड में, ये सिर्फ इनके लुक वाइज के लिए आ रही है, नहीं तो इसमें राइजन 5 ही मिल रहा है। राइजन 5 तो हमें 60 के राउंड में भी मिल जा रही है, तो मैंने इसीलिए 1 नंबर पे इसे नहीं रखा। लेकिन इसमें ये है ना, इसमें एक चीज़ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये वाली, इसमें sRGB लाइटिंग इस कंडीशन है, इसीलिए इनकी प्राइस ज़्यादा है। इसे लुक वाइज इनकी अच्छी है, ये जैसे आप लुक देख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इनकी प्राइस अच्छी है। हालांकि इसकी ग्राफिक कार्ड इतनी अच्छी नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं 1650 इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। इसकी रिफ्रेश रेट तो सेम ही है, सब हमने बोला 120 ही रखेंगे यहाँ पे इसकी। और हाँ, ये लेटेस्ट जनरेशन है और 8 GB रैम है इसमें, और इसकी ग्राफिक कार्ड मुझे कुछ खास अच्छी नहीं, लेकिन ये लुक वाइज बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। sRGB इसमें आपके लाइटिंग कंडीशन है, ठीक है, इसमें किनारा से लाइट निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आपके ये देख सकते हैं आसुस टॉप गेमिंग A15, ठीक है, ये जो है आपके राइजन 7 में है, 4th वर्जन 4th जनरेशन में है, ठीक। और इसमें जो ग्राफिक कार्ड है 3050, ये जो कि अच्छे ग्राफिक कार्ड मानी जाती है, बहुत अच्छे, और हाई लेवल के सेटिंग में आप गेम खेल सकते हैं, ठीक। तो आप ये वाला देख सकते हैं, लेकिन इससे मैंने, उसके बाद हम जो इंटेल में जाते हैं, ठीक है, तो इंटेल में आप Nitro 5 देख सकते हैं सर की, i5 11th जनरेशन, ठीक है, यहाँ पर 250 इसमें। और आपको फिर 70 के अंडर में भी जो दिखा है, इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें 16 GB आपको मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। Wi-Fi 6 तो होगी सब में, RGB बैकलाइट होगा। तो मैं अगर यहाँ पर रैंकिंग करूँगा सबसे पहले, तो हम
इसे हम रखेंगे पहला नंबर पर आसुस टॉप गेमिंग, क्योंकि इसका जो है इसका प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है 8 कोर और 16 थ्रेड के साथ। लेकिन इसमें आपके लेनोवो में इसकी सिर्फ इनके अट्रैक्टिव डिज़ाइन के कारण इसे रखा गया है, लेकिन इनकी प्रोसेसर सही है अभी लेटेस्ट में, लेकिन 6 कोर और इसमें 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आती है। जो कि इनकी स्पीड होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पीड 3.3 GHz बेस स्पीड है और ये 4.2 तक जाएगी, लेकिन इसका 4.4 तक जाती है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम स्पीड 4.4 GHz तक जाएगी। ठीक है, तो और इसके बाद इसका कैची मेमोरी आपकी 8 MB मिलेगी। उसके बाद हम जो जाते हैं वो लास्ट वाले में, हम और यहाँ पे जो है हमने 90 वाले को रखा नहीं, क्योंकि 90 और 80 के राउंड में ही सब आ जाती हैं, इसीलिए 90 को मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद सीधे हम चलेंगे 1 लाख के अंडर में। ठीक है, तो 1 लाख के अंडर में आपको जो सबसे पहले हम देखने को मिलेगा यहाँ पे एसर नेट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप, जो है Ryzen 7 और 5800H के साथ आएगी, जो लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, ये जो है लेटेस्ट जनरेशन 7 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले तो मिलेगा, 16 GB रैम मिलेगा, 256 SSD, 1 TB HDD एंड 6 GB ग्राफिक्स, सबसे बड़ी बात 6 GB ग्राफिक। और यहाँ पे जो है ग्राफिक आज देखते हैं एनवीडिया का जी फोर्स मिलेगा आपको यहाँ पे RTX 3060 का, वो भी 3060, अभी जो है वो 3090 तक, 90 और 80 अभी लेटेस्ट में है। ठीक है, ये भी लेटेस्ट में, ज़्यादा कुछ नहीं दिन नहीं हुआ इनका अभी आया हुआ, ये भी लेटेस्ट ही है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे ग्राफिक्स कार्ड में आती है, RTX 3060, बहुत ज़्यादा अच्छे हाई लेवल में। तो हर टाइप के गेम आप यहाँ पर खेल सकते हैं। ठीक, तो आप अगर राइजन में लेंगे उसके बाद ये लेटेस्ट जनरेशन है 7, उसके बाद आपको जो है 1 लाख के अंदर में अगर आना है तो और थोड़ा सा अगर रुपया आप इंक्रीज कर देंगे तो आप ये ले सकते हैं। ये मेरा फेवरेट है SPOM Ryzen 7। ठीक है, इसमें आपको 3060 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ग्राफिक कार्ड यहाँ भी 6 GB मिल जाएगी आपको ग्राफिक कार्ड। इसमें Wi-Fi 6 सब, इसमें भी Wi-Fi, हर सब में Wi-Fi 6 मिल जाएगी। इसमें जो है मेन 1 TB SSD मिलेगा, वो NVMe M.2 NVMe और PCIe वाला जो वर्जन है। ठीक है, जो हाईएस्ट स्पीड मिलती है, ये मेरा सबसे फेवरेट लैपटॉप है। और उसके बाद जो है आपके MSI की तरफ से MSI Alpha 15 Ryzen 7, जो ये मेरा फेवरेट है। तो इस इनमें से मेरा जो है ये वाली है अभी, HP Omen है। अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो HP Omen के बारे में तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये मेरे पास अभी है लेटेस्ट में। और उसके बाद आप ये जो है आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं MSI Alpha 15 के, जिसमें 8 GB आपके ग्राफिक कार्ड मिलेगा, बाकी सब सेम है इसके। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अब इंटेल में हम देखेंगे तो ऐसा Nitro 5 जो कि i7 11th जनरेशन में आती है। ठीक है, इसमें 11th जनरेशन में आती है, इसके आप कोर और थ्रेड देखेंगे ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप नंबर ऑफ कोर, जिसमें 4 कोर आएंगे, 8 कोर आएंगे और 16 थ्रेड आएंगे। ठीक है, जैसे कि वह Ryzen 7 में आती है, तो ये भी सही है लेटेस्ट जनरेशन में। और उसके बाद इसका जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जो है वो 4.6 GHz प्रोसेसर, तो ये भी बहुत अच्छे में आती है। फिर इंटेल वाले में अगर और देखेंगे आप, यहाँ पर जैसे i7 है, ये भी 11th जनरेशन में, Lenovo Legion 5 का। ठीक है, तो ये भी एक अच्छे लैपटॉप है, ये खूबसूरती में भी इसे अच्छे जाने जाती है। ठीक है, थर्मल में भी इसकी सही है, थर्मल भी इसकी सही है। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पर अगर हम रैंकिंग करेंगे 4 GB इसमें ग्राफिक 3050 की RTX 3090 का है ग्राफिक कार्ड। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर रैंकिंग करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ कर, तो हम मेरा जो फेवरेट है और हर एक चीज़ में वो है HP Omen। उसके बाद हम MSI Alpha 15 को रखेंगे, जो कि ये भी सेम प्राइस में। उसके बाद इसका जो 8 GB ग्राफिक्स कार्ड है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसके बाद जो हम रखेंगे उसके बाद किसे रखेंगे हम, 1 TB 6 GB ग्राफिक्स कार्ड, नहीं ये नहीं, ये वाली को हम रखेंगे इंटेल वाली। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकती हैं लेनोवो, उसके बाद लास्ट में आप, मैंने इसे रखा है 3060, ये जो है। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। उसके बाद इनमें 1 लाख के अंदर में ये चार पाँचों, 1 2 3 4 5 पाँचों लैपटॉप जो है बेस्ट है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा राइजन को प्रीफर करूँगा। तो राइजन में हम सबसे पहले मैं इसे प्रीफर करता हूँ। ठीक है, 3060 वाले जो है, उसके बाद हम सेकेंड नंबर पे इसे, जैसे आपको रैंकिंग बता दी है, ये ऐसे ही मैंने सबसे ज़्यादा राइजन को हम चॉइस करते हैं। मेरा फेवरेट है राइजन, बहुत पुराना रिश्ता है राइजन से, और गेमिंग में ज़्यादातर लोग राइजन ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये अच्छे इसकी परफॉर्मेंस होती है। दैट्स इट, सो थैंक यू सो मच। ये जो वीडियो है,
प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता था इस लैपटॉप के बारे में, और अभी क्योंकि ये सेल चल रही है इसीलिए मैं, ताकि आपकी टाइम बच जाए इसीलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको डाल दे, छोटा, हालांकि छोटा नहीं है, इतना फास्ट बोलने के बाद भी मैंने कुछ टाइम तो लग ही गया, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब आपको जो है सिर्फ आपको रिसर्च इतना ही करना है कि आपको किस रेंज में आपको लैपटॉप लेना है, और उस लैपटॉप के रेंज में ही आपको देखना है और कौन सा बेस्ट है आपके हिसाब से, आप फीचर भी देख लेना, क्योंकि मैं तो देख चुका हूँ और इसीलिए मैंने आपको जो बेस्ट है उसको सजेस्ट किया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है, अगले वीडियो बनाने के लिए, और आपकी कुछ हेल्प करूँ, अगर आपसे थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।